और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। खबर बांसूर से है, जहां भाजपा कार्यालय पर पूर्व प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव की ओर से विशाल निशुल्क आंखों का चिकित्सा और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जीवनदाता ब्लड बैंक की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। शिविर में अभी तक आंखों के 600 और फिजियोथेरेपी की जांच के लिए 800 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। सुबह 8 बजे से अधिक तक 1400 मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। महेंद्र यादव ने बताया कि आज प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम और आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की ओर से लोगों की आंखों की आधुनिक मशीनों से जांच कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। वहीं लेंस प्रत्यारोपण के लिए मरीजों का चयन किया जा रहा है, जिनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा और लाने व ले जाने व दवाइयां भी निःशुल्क रहेगी। वहीं रक्तदान शिविर में सुबह से ही युवा रक्तदान कर रहे हैं। बांसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा, तो सेवा भाव तो मेरे जीवन में शुरू से ही मुझे आदर्श ऐसे मिले हैं, तो सेवा करना तो मेरा शुरू से ही एक भाव रहा है। आज बांसूर में 10वां आंखों का कैंप है और 8वां रक्तदान का कैंप भी हमने आज यहां रखा है। साथ साथ में हमारे मिश्री देवी हॉस्पिटल के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, जो जाने माने डॉक्टर हैं सुप्रसिद्ध राजस्थान के, उनकी टीम और वो खुद आए हैं। दूसरा जो जीवनदाता ब्लड बैंक है वो रक्त संग्रहण के लिए वो टीम आई है। तीसरा, हमने आजकल गांव में जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है धीरे धीरे, पानी की वजह से अर्थराइटिस की समस्या है लोगों में, तो उसके लिए हमने एक जयपुर की हमारी स्पाइन केयर के नाम से डॉक्टर अंजलि राठौड़ है, वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ आई है। तो हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो गांव में रहते हैं, जो दूर दराज रहते हैं, जो ऑपरेशन कराने में ज़्यादा समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करके हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और निश्चित रूप से अभी तक हजारों लोगों के इन कैंपों के माध्यम से हमने ऑपरेशन भी करवाए हैं, निःशुल्क ऑपरेशन कराए हैं, सबको यहाँ से ले जाने की व्यवस्था सब। और इसके अलावा जब इन सब से मुझे आशीर्वाद मिलता है बुजुर्गों से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज हमारे इस कैंप में अतिथि के रूप में हमारे सांसद राव राजेंद्र सिंह जी भी साहब भी यहाँ पधार रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं हमारे राम तराई के महाराज जो अरुण भारती जी हैं, उन्होंने दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। चलती का नाम गाड़ी, लेकिन भागती दौड़ती ये जिंदगी है, हर कोई सफर में है। किसी के लिए आसान तो किसी के लिए मुश्किल जगह। कुछ भी कहिए, ये सफर है सुहाना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं द यात्रा शो।